शहनाई, वो वाद्य यंत्र जिसकी मधुर धुन हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। शहनाई वादन की कला को जिंदा रखने वाले आज बिरले ही हैं। इनमें से एक है मंडी जिले के चच्योट गांव के शहनाई वादक सूरजमणि, जिन्होंने 9 साल की उम्र में ही शहनाई बजाना शुरू कर दिया था। आज प्रदेश का कोई कोना नहीं जहां उनकी शहनाई की धुन न गूंजी हो। सूरजमणि अब तक हिमाचल प्रदेश के 4000 से भी अधिक पहाड़ी गानों में शहनाई वादन कर चुके हैं। यहां तक कि फिल्म अभिनेता सनी देओल भी सूरजमणि की शहनाई के कायल हैं। लेकिन इनको डर है कि अब इस कला के कद्रदान नहीं रहे और उनकी विरासत को कौन संभालेगा। मान सम्मान कोई नहीं रहा इसमें, गांव में तो जा नहीं सकते। जरा नौकरियां मिली, बच्चे बोलते कि हमने पत्थर तोड़ लेने पर शहनाई में जाने है नहीं सर, कुछ मान सम्मान नहीं है। अब गांव में तो जाना नहीं बच्चे ने जी नहीं, तो इसलिए कोई भी नहीं सीख रहा है। मैं सोचता हूँ ऐसा ही, अगर गवर्नमेंट कुछ करे, अच्छी अकेडमी बनाए कुछ, तो सर मैं सिखाने लिए तैयार हूँ सबको, वो चाहे किसी का ही बच्चा हो, पर इसको जगह मिल जाए, उन बच्चे की रोटी का साधन मिल जाए, तो मैं तैयार हूँ इस काम करने के लिए। शहनाई वादक सूरजमणि इस विरासत को जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर आस लगाकर देख रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सरकार उनकी इस मांग को, उनकी इस इच्छा को पूरा करेगी। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हिमाचल।